दोस्तों आज आपको दिखाएंगे क्रिकेट के कुछ ऐसे अजीबोगरीब डिसमिसल्स जो आपको लोटपोट कर देंगे। नंबर वन, दोस्तों मौका था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज के एक मैच का। बल्लेबाज थे इंग्लैंड के युवा हैरी ब्रूक, जो अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन फिर नेथन लायन की एक बॉल पर कुछ ऐसा हुआ कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेग स्टंप लाइन की एक बॉल हैरी ब्रूक को चकाती हुई उनके पैर से टकराती है और हवा में उछल जाती है। अब क्योंकि हैरी ब्रूक कॉन्फिडेंट थे, उनके बल्ले से कोई एज नहीं लगी है, तो वो आराम से अपनी क्रीज पर खड़े रहते हैं, लेकिन हवा में उछलती बॉल उनके शरीर से टकराती है और सीधे स्टंप्स पर लग जाती है, और ब्रूक समझ ही नहीं पाते कि भाई हुआ क्या। नंबर टू, दोस्तों बीबीएल के एक मैच में ऐसा रन आउट देखने को मिला जिसे किस्मत का गजब नमूना कहा जा सकता है। सिडनी थंडर्स की ओर से सैम बिलिंग्स और एलेक्स रॉस क्रीज पर थे। जेसन बैरनड्रॉफ की एक बॉल पर सैम बिलिंग्स लेग साइड की ओर शॉट मारते हैं और क्विक सिंगल लेते हैं, लेकिन एलेक्स रॉस दूसरे रन के लिए भाग पड़ते हैं, पर सैम बिलिंग्स रन लेने से मना कर देते हैं और रॉस को वापस लौटना पड़ता है। उधर फील्डर की थ्रो काफी वाइड आती है और विकेट कीपर जॉस इंग्लिस उसे ढंग से कलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन इसी बीच वो बॉल में हाथ मारते हैं और बॉल सीधे स्टंप्स पर जाकर लगती है। मतलब क्या गजब की किस्मत थी भाई। नंबर थ्री, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के मानस लैबिशेन अपनी वियर्ड बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में उनकी टेक्निक का एपिक फेल देखने को मिला। स्टुअर्ट ब्रॉड की एक बॉल पर लैबिशेन स्क्वायर लेग पर शॉट मारने के फिराक में शफल करते हुए स्टंप पर आ जाते हैं, लेकिन यहां उनका पैर फिसल जाता है और ब्रॉड की बॉल सीधे स्टंप्स पर जाकर लगती है। अब ये इंसिडेंट देखने में तो फनी लग रहा होगा, लेकिन यहां लैबिशेन बड़ी चोट का शिकार भी हो सकते थे। नंबर फोर, दोस्तों मौका था वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच एक टेस्ट मैच का। वेस्ट इंडीज के पेसर की एक बॉल श्रीलंका के धनंजय डिसिल्वा के बैट की एज लेते हुए पीछे की ओर जा रही होती है। डिसिल्वा को लगता है कि शायद बॉल स्टंप से टकरा जाएगी और वो आउट हो जाएंगे। इससे बचने के लिए वो अपने बैट से बॉल को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर बॉल बैट की एज लेती है और जो बॉल स्टंप्स पर लगने ही नहीं वाली थी वो जाकर स्टंप्स पर लग जाती है। नंबर फाइव, दोस्तों आपने क्रिकेटर्स को फुटबॉल खेलते हुए पैर से रन आउट करते देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को नाक से रन आउट करते देखा है? जी हाँ, बिग बैश के एक मैच के दौरान ऐसा ही देखने को मिला, जब बैट्समैन के द्वारा लगाया गया एक तेज स्ट्रेट शॉट सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े बैट्समैन के बैट से टकराया। बॉल डिफ्लेक्ट होते हुए बॉलर एडम जाम्पा की नाक पर लगी और फिर जाकर सीधे स्टंप्स को बिखेर दिया। अब भाई, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े बल्लेबाज ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो अपने आप को ही रन आउट कर बैठेगा, और ये रन आउट क्रिकेट हिस्ट्री का वन एंड ओनली रन आउट है। नंबर सिक्स, दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में ग्लेन मैकग्रॉथ की बॉल सचिन के शोल्डर से टकराती है, पर अंपायर उन्हें LBW दे देता है। सचिन को लगा कि ये एक बाउंसर है, इसलिए वो बॉल को डक करते हैं। अब क्योंकि वो बिल्कुल स्टंप्स के सामने बैठे हुए थे और अगर बॉल उनसे ना टकराती तो वो सीधे स्टंप्स पर लगती, तो उन्हें आउट करार दिया जाता। ऐसा ही कुछ एक बार विमेंस क्रिकेट में भी हुआ था। ऑस्ट्रेलियन बॉलर एलिस पेरी एक शॉर्ट पिच बॉल फेंकती है जिसे इंग्लैंड की बैटर डक करती है। बैटर को लगा कि वो बाउंसर होगा, पर पीछे से उसके विकेट उड़ जाते हैं। नंबर सेवन, दोस्तों ये बात सच है कि मॉडर्न क्रिकेटर्स ऐसे ऐसे शॉट्स लगाते हैं जो क्रिकेट की रूल बुक के परे होते हैं, लेकिन खेल के कुछ बेसिक्स तो हमेशा ही फॉलो किए जाने चाहिए ना। जिनमें से एक ने पर्थ स्कॉर्चर्स के बल्लेबाज स्टीव एस्केनाज़ी को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दरअसल हुआ ये कि ब्रिस्बेन हार्ट्स के मैक्स ब्रायन स्टंप्स पर निशाना लगाते हैं और एस्केनाज़ी रन आउट हो जाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो, एस्केनाज़ी अपना बैट 90 डिग्री की पोजीशन में रखे हुए थे, जबकि उन्हें बैट को स्लाइड करना चाहिए था। अब इस इंसिडेंट को देखकर ये जरूर साफ हो जाता है कि क्रिकेट के खेल में कुछ इंचेस का फासला बहुत कुछ बदल सकता है। नंबर एट, दोस्तों क्रिकेट की पिच पर बैटिंग पार्टनरशिप्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है और एक अच्छी पार्टनरशिप ही टीम्स को मैचेस जिताती भी है, लेकिन न्यूजीलैंड के बैटर्स की इस बैटिंग पार्टनरशिप ने तो न्यूजीलैंड का ही नुकसान करा दिया भाई।
दरअसल हुआ ये कि जैक लीच की बॉल पर हेनरी निकल्स एक तेज तर्रार स्ट्रेट शॉट मारते हैं जो सीधा नॉन स्ट्राइकर सेंटर पर खड़े डैरिल मिचेल के बल्ले से टकराता है और बॉल वहां से डिफ्लेक्ट होती हुई सीधा मिड ऑन पर खड़े फील्डर के हाथों में जाती है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि बॉलर को खुद विश्वास नहीं हुआ कि बैट्समैन आउट हो चुका है। नंबर 9, भाई साहब बल्लेबाज को घुटनों पर लाकर आउट करना तो यार इसे कहते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा था और क्रीज पर थे बेन फोक्स, जिन्होंने अभी खाता भी नहीं खोला था। माइकल ब्रेसवेल की एक फ्लाइटेड बॉल पर आगे बढ़कर शॉट खेलने के चक्कर में बेन फोक्स जमीन पर गिर जाते हैं और पीछे से उनकी स्टंपिंग कर दी जाती है। और मजे की बात पता है क्या है, ये कि बेन फोक्स के दोनों पैर क्रीज से बहुत कम दूरी पर थे और ये दूरी कुछ इंच से भी कम की थी। अब यार इसे रनआउट बोले या स्टंपिंग, आप ही बताओ। नंबर 10, दोस्तों चाहे जीत के पहले सेलिब्रेशन करना हो या फिर मैदान पर नागिन डांस करना, मुशफिकुर रहीम कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देते हैं जिसके चलते क्रिकेट फैंस उनको जमकर ट्रोल करते हैं। ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच एक मैच में हुआ। लॉकी फर्गसन की एक अंदर आती बॉल पर शॉट लगाते समय रहीम के बल्ले से टकराकर पीछे निकल जाती है। बॉल स्टंप्स की ओर जा रही थी और रहीम आसानी से बल्ले से उसे डिफ्लेक्ट कर सकते थे, पर तभी उन्हें अपनी फुटबॉल स्किल्स दिखाने का ख्याल आता है। अब अपने रहीम भैया पैर तो जोर से घुमा देते हैं लेकिन बॉल उनके पैर को मिस करके स्टंप से टकराती है और रहीम आउट हो जाते हैं। ये तो भाई सच में नागिन डांस से भी ज्यादा फनी था। पर अब फनी मोमेंट्स की बात हो ही रही है तो चलो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ जिसमें कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको हंसी से लोटपोट कर देंगे। तो जल्दी से इस पर क्लिक करके जाइए और इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया वो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।